इफ्रा और सहरिश बहनों से ज़्यादा सहेलियां थीं। जब ही एक दूसरे के हर रास्ते वाकिफ होने के साथ एक दूसरे को मशवरा भी देती रहती थीं। ऐसा नहीं था कि सिर्फ दोस्ती ही थी, लड़ाई झगड़ा भी होता था, लेकिन राजों पर से कभी पर्दा नहीं उठा था। कुछ अरसे पहले उनके वालिदैन एयर क्रैश में दुनियाए फ़ानी से रुखसत हो गए थे। फिर दादी ने उनको संभाला था और अब वही उनकी सरपरस्त थीं। दादी बहुत रोब दाब खातून थीं, जितनी मोहब्बत करती थीं उससे कहीं ज़्यादा इन दोनों पर कड़ी नज़र रखती थीं। रात में जब वो दोनों सोने लेटती तो उनकी अपनी बातें होती थीं। ऐसे में दादी खासे मशकूक अंदाज में उन्हें चेक करने आती। इसी तरह किचन में लॉन में दादी का आना लाजमी था, जिस पर सैरिश बहुत झुंझलाती और उन्हें जासूस 007 जैसे नाम दे रखे थे। ये अलग बात है कि उनके सामने मौद्दिब बनी रहती, डरती भी बहुत थी, जबकि इफ्रा पुरसुकून रहती और उसे भी समझाती कि दादी उन दोनों की जिम्मेदारी को ज़्यादा ही महसूस कर रही हैं। बहरहाल इफ्रा इस वक्त कॉलेज से यूनिवर्सिटी में आई थी, जबकि सैरिश अभी सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। इन्हीं दिनों मौसम सरमा की ठंडी बारिश में मीर जान की आमद हुई। मीर जान उसकी बड़ी फुप्पो का बेटा तालीम के बाद रोज़गार की तलाश में यहाँ आया था और बहुत ही जल्द एक मल्टी नेशनल कंपनी में उसे जॉब मिल गई थी। तो फिर दादी ने उसे अपने पास ही रोक लिया। यूँ घर में जैसे ज़िंदगी दौड़ गई। मीर जान दादी से नाज नखरे उठवाता तो सैरिश के साथ दुनिया जहाँ की बातें करते हुए उसे भी गैर महसूस तरीके से गुफ्तगू में शामिल कर लेता। वो जो वालिदैन की वफ़ात के बाद अंदर से बहुत टूट गई थी, मीर जान की बातों और अंदाज में उलझती चली गई। एक तो उम्र ऐसी थी, दूसरे मीर जान के जो मायने जुमले दिल की कोरी ज़मीन पर फुवार बरसने लगी और वो उसके शहर में गिरफ्तार होती गई। मीर जान था ही ऐसा खूबरू वजी, 6 फीट से निकलता खद, घनी मूछों तले मुस्कुराते होंठ, शरारत से भरपूर आंखें, फिर गंदमी रंगत ने उसकी खूबसूरती में इजाफा ही कर दिया था। दादी ने उसे रिहाइश के लिए ऊपर की मंजिल का कमरा दिया था, लेकिन उसका खाना पीना अपने साथ ही रखा था, इसीलिए तीनों वक्त अफराद का एक दूसरे से सामना ज़रूर होता था। शुरू में मीर जान खाने के वक्त बातें करने के लिए दादी को मुखातिब करता था, लेकिन उसका अंदाज ऐसा होता कि ना चाहते हुए भी इफ्रा और सैरिश मुतवज्जो हो जाती थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों भी इससे बात करने लगीं, लेकिन बहुत मोहतात अंदाज में, क्योंकि ऐसे में दादी की कड़ी नज़रें इन दोनों पर जम जाती थीं और मीर जान नादान नहीं था। दादी के तेवर देखकर खामोश हो जाता, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि उसकी कज़न्स के साथ कुछ ज़्यादती हो रही है। जब ही एक दोपहर जब दादी नासाज़िए तबा के बायस गहरी नींद सो रही थी, तो वो उनके कमरे में चला आया। आप इफ्रा और सैरिश दोनों ही उसे देखकर बौखलास ही गईं, बल्कि खाइफ भी हुई थी। हाँ, वो ख़ुद भी सटपटाया, लेकिन फिर फौरन संभल कर कहने लगा, वो मैं ये पूछने आया था कि तुम दोनों कहीं बाहर नहीं जाती। नहीं, फौरन जवाब सैरिश की तरफ से आया और वो जो इफ्रा को देख रहा था सैरिश को देखने लगा। क्यों? कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा दादी की इजाज़त नहीं है कि हम कहीं और जाने की बात करें, सैरिश का अंदाज शाकी था जब ही वो बोला। इसका मतलब ये है कि तुम लोगों का दिल चाहता है। नहीं, हमारा दिल भी नहीं चाहता, इफ्रा बेख्तियार बोली। क्यों? वो इफ्रा के सामने सवालिया निशान बन गया। बस इफ्रा को कोई जवाब नहीं सूझा था, सर भी झुका लिया और वो जो उसे झंझोड़ना चाहता था एकदम खामोश हो गया। फिर जाते जाते बोला था,
मैं दादी से, मेरा मतलब है नानी से बात करूंगा। फिर उसने दादी से तो बात नहीं की, लेकिन जब मौका मिलता इन दोनों के पास आ बैठता था। शुरू में वो खाइफ हुई, फिर उन्हें भी इंतज़ार रहने लगा कि यूं अफराद को पता भी ना चला कि उसके इंतज़ार में कैसे कैसे रंग शामिल हो गए। वो तो जब मीर जान ने एक दिन अचानक उसका हाथ थाम कर अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो वो हैरान रह गई कि वो उसी दिन की तो मुंतज़िर थी। यूं बेआब रंग जिंदगी में एक साथ कितने रंग उतर आए थे। फिर उसने सहरिश को हमराज बनाया तो उनकी बातों में अब ज़्यादा मीर जान का ही तस्करा होता था। ऐसे में अगर दादी आ जाती तो दोनों के रंग फक हो जाते। आए ना दादी, बैठे ना, आप तो हमारे पास बैठती ही नहीं। सहरिश अपना खौफ मिटाने को कुछ ज़्यादा ही दादी की चापलूसी करने लगती, जबकि इफ्रा को कुछ सूझता ही नहीं था। बहरहाल, इन सब बातों के बावजूद मीर जान की मोहब्बत में वो बहुत दूर निकल गई थी कि वापसी नामुमकिन थी। फिर वो उसका फूफीजाद था, जब ही रास्ते में किसी रुकावट का शायबा तक नहीं था, और यही उसकी भूल थी। दादी ने अव्वलीन दिनों में ही उसमें तब्दीली महसूस कर ली थी और उन्होंने उसे तंबीह नहीं की, लेकिन मीर जान को अपने लिए किसी और रिहाइश का इंतज़ाम करने को कहने लगीं तो पहले नरमी से और फिर सख्ती से। और इस रोज़ इफ्रा को यूनिवर्सिटी आने में देर हो गई थी, जबकि इत्तेफाक से मीर जान पहले घर आ गया था। दादी को जैसे मौका मिल गया, इंतहाई गुस्से से सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मीर जान को घर से निकल जाने को कहा था। पहले तो वो गंग रह गया, फिर वजह पूछी तो जवाब में दादी ने जो कुछ कहा वो उसके लिए नाकाबिले यकीन था, लेकिन फिर भी उसे यकीन करना पड़ा क्योंकि दादी कह रही थी और कोई माँ अपनी औलाद पर झूठा बोहतान नहीं लगा सकती।